केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 80% चांस आर फिक्टिशियस केस स्टडी होगी, 80% चांस, मतलब वो केस कोई पहले से डिसाइडेड केस नहीं होगा, पेपर सेटर वो केस बना कर देगा, फैक्ट्स बना कर देगा, 80% चांस फिक्टिशियस केस स्टडी, 80% भी छोड़ो मैं कहूंगा 90% मान लो, 10% चांसेस कि एक्चुअल केस स्टडी पे आ जाएगा। पिछले 20 अटेम्प्ट का बता रहा हूं आपको, पिछले 20 अटेम्प्ट का कंपनी लॉ का पेपर, 10% चांसेस कि रियल डिसाइडेड केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टाइटल, कि आप किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो। टाइटल इतना बढ़िया धांसू मार दो कि पेपर चेकर जो है वहीं उसी पे क्लीन बोल्ड हो जाए, वो कहे 5 में से 5 दे दो, टाइटल में तो सब कुछ बता मारा, तो टाइटल इतना बढ़िया दे दो अगर है, अगर पॉसिबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब जो शॉर्टकट टाइटल बना लो। दूसरा यहाँ पर भी आप क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन, सेकेंड पैरा लीगल प्रोविजन जिसमें आप सेक्शन और रूल जो भी बताना है, पूरा पूरा नहीं बताना है, रेलिवेंट पार्ट बताना है, सेक्शन बताओगे रूल बताओगे। तीसरा पार्ट फिर आप वो फैक्ट्स एंड कॉन्क्लूजन, अलग अलग बताना चाहो या मिक्स करके बताना चाहो, लेकिन फैक्ट्स एंड कॉन्क्लूजन दोनों आने चाहिए, चाहे मिक्स करके आए चाहे अलग अलग आए, ये हो गया। और अगर रियल डिसाइडेड बेस्ड है तो उसमें आंसर आपका 3 पार्ट्स के बजाय 4 पार्ट्स में हो जाएगा, ये था 3 पार्ट्स में, अब आंसर 4 पार्ट्स में कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आपका वही बढ़िया सा टाइटल, टाइटल के बाद दूसरे नंबर पे लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में वेल आई विल से वही सेक्शन रूल जो बताना है वो बताओ, तीसरे नंबर पे आई विल से, अच्छा कोई एमसीए नोटिफिकेशन बेस्ड भी हो सकता है साथ में, एमसीए की कोई नोटिफिकेशन है तो मैं कहूंगा वो भी आ जाएगा लीगल प्रोविजन में। 185 में फॉर एग्जाम्पल एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी वाली प्राइवेट कंपनीज एग्जम्प्ट होती हैं, तीन तीन बार क्वेश्चन एमसीए नोटिफिकेशन के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सेक्शन 185 में प्राइवेट कंपनीज जो एग्जम्प्ट की गई हैं उसके ऊपर 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 5 5 नंबर का। सो वेल आल से तो लीगल प्रोविजन में सेक्शन भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है, एमसीए नोटिफिकेशन भी हो सकती है, और साथ में फिर डिसाइडेड केस है तो डिसाइडेड केस का नाम और जजमेंट, डिसाइडेड केस का नाम प्लस उसमें कोर्ट में जज साहब ने क्या बोला था वो जजमेंट, और फिर चौथे नंबर पे आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। तो फाइनली केस स्टडी वालों क्वेश्चंस का ये ध्यान रख लेना बस, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।